इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सैमसंग के जो है वेरिफिकेशन में अकाउंट जो होता है उसमें वेरिफिकेशन में वेरीफाई इट्स यू दिखाई देता है तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है आपको टू कंटिन्यू योर ईमेल टू वेरीफाई इट्स यू टैप टू बटन बिलो सेंड वेरिफिकेशन ईमेल टू गो योर इनबॉक्स एंड क्रिएट योर अकाउंट। तो इस तरीके से आपको दिखाता है। तो ऐसा रहता क्या है इसके अंदर जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली ये वेरीफाई करने के लिए आपको दिखा देता है कि आप जो अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में आप ही हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं, ये आप ही हैं या ओरिजिनल हैं या फिर आपने इसको वैसे ही यूज़ कर रखा है। तो इस वजह से वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। अभी वेरीफाई होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर आप हैं फिलहाल इस वाले पोजीशन पर, तो उस सिचुएशन में आपको एक ईमेल डालना है एंड सेंड ईमेल पर क्लिक कर देना है। अब ये जो भी ईमेल होगा वो आपके जीमेल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये जैसे यहाँ पर वो ईमेल आता है आप उसे एक्सेस कर लीजिए एंड वहाँ से फिर आप जो है कोड डाल वगैरह डालकर उसे ठीक कर सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।